हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज दिल्ली का मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आज की जो धूप है वो बड़ी ही ताजगी से भरी हुई है और खिली खिली है। तो आप लोग कहीं जाइए घूमने के लिए, कुछ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केतु के बारे में, केतु की पांचवी दृष्टि के बारे में। जैसे कुंडली का पांचवा घर होता है, पांचवा घर की चीज का है लक का, तो केतु की जो पांचवी दृष्टि होती है वो ये बताती है कि किस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा लकी। लक का मतलब ये होता है कि एक तो ये कि जहां पर हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हमारी कामयाब हो जाए, दूसरी चीज ये कि कोई चीज हमें बैठे बिठाए मिल जाए, जहां पर हमने कुछ भी नहीं किया है लेकिन वो चीज अपने आप हमें मिल रही है। तो ये केतु के कारण होता है। केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ता है, उस हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमें बहुत इजी तरीके से मिल जाती हैं, यानी बैठे बिठाए मिल जाती हैं। उसके लिए ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि केतु का संबंध आपके पास्ट लाइफ के कर्म से है। जो भी पास्ट लाइफ का आपका संचित कर्मा है और जो भी उसका फल है, वो आपको केतु इस बर्थ में देता है। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये आपको इनिशियल लाइफ में मिलता है। इनिशियल लाइफ का मतलब हो गया कि 48 की एज तक, 48 की एज तक केतु का एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ रहा है, उस हाउस से संबंधित चीजें हमें बहुत इजी तरीके से और बहुत आराम से मिल जाती हैं। जैसे राहु के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी सोचना पड़ता है, काफी एफर्ट्स लगाना पड़ता है, बट केतु के साथ ऐसा नहीं है। केतु जहां पर देख रहा है वो चीजें हमें बहुत ही इजी तरीके से मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो चीजों को और भी देखना है कि केतु का एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ रहा है, उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। अगर उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, अपने एग्जल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है, और शनि का एस्पेक्ट नहीं है, राहु का एस्पेक्ट नहीं है, या राहु या शनि के साथ उसकी प्लेसमेंट नहीं है, कंबस्ट नहीं है, रेट्रोगेशन में नहीं है, तो ये माने आप कि केतु का जो एस्पेक्ट है आपको उस हाउस से संबंधित चीजों को देना चाहता है और वो सारी चीजें आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट अगर आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है, तो नाम, फेम और पहचान, ये तीनों चीजें आपको बैठे बैठे मिल सकती है। सेकेंड हाउस में पड़ता है तो वेल्थ एंड वैल्यू। थर्ड हाउस में पड़ता है तो आपका स्किल, और स्किल के थ्रू जो भी बेनिफिट है वो आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको किसी कोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपके परिवार में, आपके घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको वो स्किल दे देते हैं, यानी बचपन से वो चीजें आपको मिल जाती हैं। फोर्थ हाउस यानी सुख, फिफ्थ हाउस यानी लविंग पार्टनर, सिक्स्थ हाउस यानी जॉब, सेवन्थ हाउस यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस, एट्थ हाउस यानी ऑकल्ट, नाइन्थ हाउस यानी हायर एजुकेशन, फादर, हमारे गुरु, हमारे टीचर, ज्ञान, दसम भाव यानी स्टेटस, सोशल विजिबिलिटी, इलेवेंथ हाउस यानी गेन, और ट्वेल्थ हाउस यानी मोक्ष और अध्यात्म से संबंधित चीजों में जो भी हमारी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसका जो ज्ञान होता है वो हमें बहुत इजी तरीके से मिल जाता है। लेकिन केतु की सबसे बड़ी बात यह है कि केतु का एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ता है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके बाद में हमारा जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाता है। और उस हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं, हमारा ज्यादा इंटरेस्ट उन सब चीजों की तरफ नहीं रहता है। तो यह है सबसे बड़ी बात केतु की। और इसके लिए आपको यह भी देखना है कि केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है और जहां देख रहा है, जिस हाउस को देख रहा है एक्चुअल में, उस हाउस के लॉर्ड की पोजिशन क्या है। उस हाउस के लॉर्ड की पोजिशन से ही आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें मिलेंगी या कितनी चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर कंबस हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, शनि के साथ होता है, वीक पोजिशन में होता है, तो यहां पर जितनी चीजें आपको मिलनी चाहिए थी उतनी चीजें आपको ना मिलके थोड़ी बहुत चीजें आपको मिल सकती हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो केतु का एस्पेक्ट है वो हमारे लिए कितना लाभकारी है और कितने इजी तरीके से हमें केतु चीजों को प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन बाद में हमारा इंटरेस्ट उन चीजों से धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया केतु के फिफ्थ एस्पेक्ट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।